एक के बाद एक सामने आ रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के चलते दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। पहले अल्फा आया, फिर बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन और अब डेल्मिक्रॉन, जिसे डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिश्रण बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये वायरस दुनिया से कब खत्म होगा। इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, WHO ने वायरस के खात्मे को लेकर क्या बयान दिया है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब खत्म होगा कोरोना। कुछ एक्सपर्ट्स ने संभावना जताई है कि ये बीमारी आगे चलकर एंडेमिक बन सकती है। कहा जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी गंभीर बीमारी के चलते भी बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे, बहुत सारी मौतें हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया से पूरी तरह खत्म हो गए। इसकी बड़ी वजह थी वैक्सीन। उसी तरह ये संभावना जताई जा सकती है कि इसी तरह कोरोना भी खत्म हो जाएगा। ये कब तक होगा ये बताना काफी मुश्किल है। अभी इसी में नए वेरिएंट आ रहे हैं और वैक्सीनेशन भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्र कहते हैं कि कोरोना अब हमारे बीच में पनप चुका है, इसका जाना काफी मुश्किल है। वायरस के एक बार अस्तित्व में आ जाने के बाद इनका खत्म होना काफी मुश्किल है, हालांकि ये नामुमकिन नहीं है। वायरस जनित बीमारियों की बात करें तो इन्फ्लुएंजा फ्लू अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 100 साल बीत जाने के बाद भी इन्फ्लुएंजा वायरस के मरीज अब भी सामने आते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि WHO की क्या राय है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहनम गेब्रियसिस का कहना है कि 2022 वो साल होना चाहिए जब हम महामारी को खत्म करेंगे। अगर हमें आने वाले साल में महामारी को खत्म करना है तो हमें असमानता को खत्म करना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर देश की 70% आबादी को जून 2022 तक टीका लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अभी जश्न मनाने और बाद में शोक मनाने से बेहतर है कि अभी अपने कार्यक्रम को रद्द करें और बाद में जश्न मनाएं। आइए अब आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कब खत्म होगा। सिंगापुर के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट 2022 में पूरी तरह दुनिया भर में फैल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये दावा करना बेकार है कि 2022 तक इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि नया वेरिएंट कितना ज्यादा शक्तिशाली होकर हमारे सामने आ रहा है। उनका मानना है कि ओमिक्रॉन 2022 में विश्व स्तर पर प्रमुख स्ट्रेन बन सकता है। इसको लेकर वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोटिस।